चैनल. सो आपने बहुत मतलब मैंने कल क्वेश्चंस डाले थे कि मैं कौन सा वीडियो पोस्ट करूँ यूट्यूब पे, एंड बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हाउस टूर हाउस टूर हाउस टूर. तो फाइनली मैं हाउस टूर बना रही हूँ एंड मैं शाम में शूट कर रही हूँ क्योंकि बालकनी में शाम में बहुत अच्छा सीन दिखता है, तो इसीलिए मैं शाम में शूट कर रही हूँ. एंड एंटर करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मेरे शूज़ रहते हैं सारे, जो कि बहुत मेस है. मेरे से कोई भी सामान अच्छे से नहीं रह पाता, लाइक अच्छे से ऐसे सजा वजा के नहीं रह सकता. मैंने सजाया था अकेले बैठ के, बट नहीं होता. ना ही मेरे कपड़े और ना ही मेरे शूज़ अच्छे से जगह पे रहते हैं. और मेरा घर सुबह से बहुत गंदा था, बट मैंने और मम्मी ने इतना क्लीन किया, इतना क्लीन किया हाउस टूर वीडियो के लिए, बस आपके लिए. सो देखते इसको भी हम चेंज करने वाले हैं, बट हम लाइक बहुत जल्दी जल्दी में शिफ्ट हुए हैं, तो जो पहले घर पे था वही हमने ये शिफ्ट कर लिया. एंड बहुत सारे सामान हैं जो घर में आने की बाकी है, बट तो भी बहुत हाउस टूर की कमेंट्स आ रही थी, तो मैं आपके लिए ये बना रही हूँ. फिर जब हमारे फर्नीचर और आ जाएंगे ना, तो मैं और एक बार हाउस टूर वीडियो बनाऊँगी. सो लेट्स गो इन द किचन. बट किचन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना है, मतलब कुछ चीज़ें आती है, कॉफ़ी टी चाय हाँ मतलब वही लिए. एंड दाल चावल एंड रोटी भी आती है, पोहा भी आता है, एंड आते हैं कुछ कुछ मतलब छोटी मोटी चीज़ें मैं खुद को बना के खा सकती हूँ. एंड मम्मी तो हमेशा बना के देती है, तो इट्स गुड. मम्मी ने बर्तन ही धोए. ये मैंने दिखा दिया किचन यहाँ पे, एंड ये रहा हमारा लिविंग रूम जहाँ की लाइट बंद है. ये है हमारा लिविंग रूम. आपने मेरे लाइक वीडियोस में तो देखा ही होगा ये वाला पार्ट, बट तो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये है हमारा वास, ये है हमारा सोफा जो कि कुछ कुछ लगा है इसको रेड में. मम्मी ने मेरे को पहले ही बोला था कि वाइट सोफा नहीं लेना है क्योंकि बहुत वाइट वाइट दिख रहा है ना हमारे घर पे. तो हम सोच रहे हैं कि हम कुछ डेकोरेशन करेंगे, बट शूट्स वगैरह की वजह से हम कुछ लाइक डेकोर नहीं कर पा रहे, और बहुत सारी चीज़ें जो मिल नहीं रही है, और वो एक स्पेशल चीज़ भी है जो मैं आपको अपने रूम में जाके बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी. सो ये है सोफ़ा, ये मैट, एंड ये हमारी बालकनी. गाइस ये मेरे पूरे घर का फेवरेट पार्ट है, तो मैंने ये घर ये बालकनी वजह से ही खरीदा था, क्योंकि मुझे पहले से एक बड़ी बालकनी चाहिए थी जहाँ पर मज़े करूँ. सो यस, बालकनी में इतना कुछ नहीं, हमने खाली रखा है ताकि कोई चेयर्स वगैरह लगा के बैठ सके यार वगैरह वगैरह. तो आप व्यू देख सकते हो कितना मस्त है भी. भाई की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, अभी वो नाला सुपारा में रहती है, यहाँ में रहती है. उन्होंने दादा को बर्थडे पे दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हमने वही रख दिया. एंड ये रहा हमारा बड़ा टीवी, ये भी नया है. एंड अभी मैं शेयर थिंग्स देख रही थी, बट मुझे याद आया कि हाँ मुझे ब्लॉग बनाना था, तो अभी मैं ब्लॉग बना रही, फिर मैं शेयर थिंग्स देखूँगी जो कि बहुत फेवरेट है मेरा. एंड ये पूरा खाली है यहाँ, ये मेरी लाइफ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. यहाँ पे हमारी एक वॉच, और यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी आएगा जो कि मतलब अभी हम लोग ने सिलेक्ट नहीं किया, बट हम सिलेक्ट करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया शूज वगैरह की वजह से हम खुद सिलेक्ट नहीं कर पाए या ऑर्डर नहीं कर पाए, तो जल्दी से जल्दी हम ऑर्डर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एंड ला के यहाँ रख देते हैं. सो लेट्स गो इन माय बेडरूम. तो ये है मेरा बेडरूम जो कि मुझे बहुत दिनों से चाहिए था. हम पहले लाइक 1 BHK में रहते थे, बट अभी हम 2 BHK में आ गए हैं, तो मेरा एक पर्सनल सेपरेट रूम है. यह मेरा बेड जो कि मैंने सिलेक्ट किया था, सोच रही हूँ कि सब वाइट वाइट क्यों है. मैंने पहले से ही सोचा था कि बड़ा घर लेंगे तो सब वाइट ही करेंगे, बट ज़्यादा ही वाइट हो चुका है, वेट करेंगे. सो ये रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल.
ये बेड, ये ड्रेसिंग टेबल मैंने पहले से सोच के रखा था कि मेरा खुद का बेडरूम होगा ना, तब मैं ये दोनों चीजें जरूर रखूंगी। एंड बहुत सारी चीजें मेरे बेडरूम में लगने वाली, जैसे कि लाइट्स, एंड जो मैं स्पेशल चीज बताई थी आपको पता होगा शायद कि मेरा फेवरेट हीरो कौन है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे लाइक देखते हो। अगर आप नहीं देखते तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो जल्दी से जाकर। सो या अगर आपको पता है तो ये पूरी जगह मैंने उनके लिए छोड़ी है, मैं उनका फोटो लगाऊंगी मस्त यहाँ पे, एंड रोज सोते वक्त देखूंगी, उठते वक्त देखूंगी। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको पता होगा तो कि मेरा फेवरेट हीरो कौन है। सो ये रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल, वहाँ पे लगेगी फोटो, एंड ऊपर हम नियॉन लाइट्स भी लगाने वाले हैं। बट आज मैं घर पे थी, बाकी शूट्स चालू है, कल परसों से शूट्स रहेंगे। तो जब भी मैं खाली रहूँगी, जब भी सब लोग घर पे रहेंगे, मैं, मॉम, डैड, सब लोग, अभी तो दादा और पोको मेरे नानी के पास गए हैं इसलिए पोको नहीं दिख रही, ना तो मेरे पीछे पीछे ऐसे चलती रहती। सो यस, मैं क्या बता रही थी, ड्रेसिंग टेबल। सो ये है मेरे सारे परफ्यूम्स, एंड ये बैग मैंने दुबई जाते वक्त ली थी बट वो वहाँ पे जाकर टूट गई। कहाँ गया टूटा हुआ, हाँ यहाँ से टूट गई थी। बट ये मेरी फेवरेट बैग है इसलिए मैंने अब तक इसको रखा है, एंड आई एम फाइंडिंग द सिमिलर वन। अगर मुझे सेम मिल गई तो मैं इसे नहीं यूज़ करूँगी, मैं नहीं यूज़ करूँगी, मुझे ऐसी ही बैग चाहिए थी बहुत पहले से, बट वो दुबई में टूट गई। सो यस, एंड ये भी दुबई का परफ्यूम है, ये भी दुबई का परफ्यूम है ये भी, एंड ये तो मुझे बटन में मिला था, ये भी बटन मिला था। एंड ये छोटा सा मोटा सा मेकअप का सामान है इसमें, मैं ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती बट लिप ग्लोज हो गया, लेंस वगैरह वो सब रखा है, एंड कोम, सीजर वगैरह। एंड ये फैन मैंने दुबई से लिया था जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मम्मी मेरे को हमेशा चिल्लाती रहती क्या किया फैन का, फैन लेके फिर आगे कभी हवा तो नहीं लेती, लिया हम हवा देख ले देख। तो हाँ ये रहा फैन, एंड ये बैग मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, अंधेरी में थी बट मैंने सोचा कि मैं बैग ज़्यादा यूज़ नहीं करती तो क्यों लूँ। फिर बाद में कल मॉम ने बोला देखो बैग चाहिए ना, मेरे को सच बता देखो बैग चाहिए ना, तो मैंने हाँ बोल दिया, तो वो मुझे लेके दी। तो मैं आपको दिखा लेती हूँ बहुत क्यूट बैग है ये, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने में। बट वही प्रॉब्लम हो जाता है, कभी ख़राब हो जाती है ना फिर बाद में यूज़ करने नहीं मिलता, इसलिए मैं बैग कभी बाहर निकालती नहीं। स्क्रीन तो इसका बहुत, ये जो ब्रॉड बेल्ट होते हैं वो मेरे को बहुत पसंद है ऐसे लगाने में, मैं जब लगाऊंगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखना। ओके सो ये अभी रखने में मुझे कंटाला आ रहा है, बाद में रखती हूँ। एंड यहाँ पे कुछ सामान है, सब गॉगल्स जो कि मैसी है, एंड यहाँ पे भी सारा सामान रखा है, मतलब ईयरिंग्स, फिर गले का हो गया, जो भी एसेसरीज है मेरे पास वो यहाँ पे रखी है, बट मैसी है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। बट जब मैं नेक्स्ट टाइम और एक बार लाइक होम टूर बनाऊँगी तभी मैं अच्छे से सजा के सब अच्छे से बनाऊँगी। एंड ये रही वन मोर खिड़की विंडो, यहाँ का भी व्यू सेम है उसके जैसा, एंड मस्त मस्त हवा आती है होम टूर, सुबह शाम रात 24 आवर्स यहाँ पे हवा आती है, एंड सब दिखता है मेरे घर से, आपको पता है मेट्रो भी दिखता है मेरे घर से, एंड आपको पता है फ्लाइट्स भी दिखती है मेरे घर से, उड़ती हुई फ्लाइट्स। सो यस, ये रहा मेरे बेडरूम का व्यू, एंड ये मेरे दादा का स्टडी टेबल है जो कि ये भी मैंने ही सिलेक्ट किया था क्योंकि वाइट चाहिए था, सब वाइट तो वाइट कर दिया। तो यहाँ पे रखता है वो बुक्स, ओ माय गॉड इतनी बुक्स मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होगी, 1 to 10 भी मैंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी होगी जितने बुक्स एक साल में पढ़ता है। सो यस, ये ना छोटा सा क्लॉक, यहाँ पे भी उसकी सारी बुक्स, पेन्स वगैरह जो भी उसको लगता है वो है, एंड ये चेयर इसके साथ ही है, एंड मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए चेयर भी लेना है तो भी लेंगे, लाइट्स लगाएंगे वहाँ पे, फोटो लगाएंगे, और यहाँ पे एक ऐसा नियॉन साइन लगाने का सोच रहे हैं हम, बट समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या लगाएं, तो आपके पास कुछ आइडिया होगा ना लाइक कुछ अलग कुछ लिख सकते हैं हम नियॉन लाइट में तो मुझे कमेंट में बताना। ये है हमारा वॉशरूम, बहुत सिंपल वॉशरूम है, एंड यहाँ पे है स्टोरेज जहाँ पे मैंने सारे अपने शूज़ वगैरह रखे थे, बट बारिश की वजह से हमने
सारे निकाल दिए, जो मेरे दुबई के डियोर के शूज थे वो भी खराब हो गए। देखते हैं वो जब सूखेंगे, उसको पूरा ऐसा ब्राउन ब्राउन जो मिट्टी होता है ना वो लग गया। तो हमने वॉशरूम देख लिया, उधर स्टोरेज था, यहाँ पे मेरा बेडरूम था, बाहर मेरा लिविंग रूम था, उसके पहले मेरा किचन था और उसके पहले घंटी बजी थी याद है तो ठीक है। तो ये रहा दूसरा बेड, एक मास्टर बेड। तो आ जाओ अंदर। सो दिस इज वन बेड और ये रहा कबर्ड। सो ये दोनों चीज लाइक मेरे पहले वाले घर पे भी थे, आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस में। सो ये दोनों बस शिफ्ट किया हमने वहाँ से यहाँ, और मेरे रूम का सारा नया है। एंड ये रूम में इतना कुछ नहीं है, लाइक इतना सजावट वगैरह नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। सो यहाँ पे भी एक विंडो है। बहुत अच्छी है कि विंडो से इतना अच्छा सीन दिखता है, और कभी भी आप लाइक विंडो खुला रखो ना इतनी हवा आती रहता, फैन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड स्टार्टिंग में हम लोग को लाइक इतना पता नहीं था कि इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा आती है, तो हमारे लाइक दरवाजे ऐसे पटक पटक के ना सारे ये टूट गया था, आपको पता है ये सब टूट गया था। अभी उसको बनाया है एंड अभी हमने लाइक वो स्ट्रिंग्स लगा लिए डोर्स में ताकि लाइक पटके ना वो और रुक जाए लाइक वो। सो ये रहा बेडरूम जो कि बहुत सिंपल है और फर्नीचर भी सेम ही है, तो इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एसी है, वो रूम में भी एसी है, बताना भूल गई। ये रहा वॉशरूम और तो ये रहा वॉशरूम। दोनों वॉशरूम के लाइक डिज़ाइन सेम ही है, बट इतना है कि इसका स्टोरेज जो है वो बहुत बड़ा है। और यहाँ के कपड़े मैं आपको नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वो मेरे यहाँ पे सारे कपड़े सुखाए हैं, तो भी देख लो। वहाँ पे मेरे सारे कपड़े हैं, मम्मी पापा सबके कपड़े हैं। और ये स्टोरेज बड़ा है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन एंड फिर एसी का कंप्रेसर वगैरह सब रखा है। एंड ये मैंने अपना वॉशिंग क्लोज कर दिया। गाइस दिस इज नॉट लाइक वेरी बिग हाउस, नॉट वेरी स्मॉल हाउस, अ मीडियम हाउस, जो कि मेरा ड्रीम था कि मुझे ऐसा घर चाहिए। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर मिलेगा एंड मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा एक बालकनी, बड़ा बालकनी, अच्छा व्यू हो, लाइक ये पूरा ऐसा सपने जैसा ही है जैसा मुझे घर चाहिए था, लाइक जैसे मेरे माइंड में था बिल्कुल वैसा ही घर है। एंड मेरे डैड ने, मेरे मॉम ने बहुत लाइक बहुत ढूंढा सब जगह कि इधर नहीं मिला, उधर नहीं मिला, उधर नहीं मिला, तो फाइनली लाइक बहुत ढूंढने के बाद लाइक बोल रही थी कि 5-6 months लाइक बहुत ज़्यादा ही ढूंढा। आपको पता नहीं होगा मैं जितना बोल रही हूँ ऐसा समझ में नहीं आएगा, बट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ढूंढा था कि हम लोग को लाइक स्टार्टिंग में ये बिल्डिंग में मिला था लाइक एक घर, बट वो इतना अच्छा नहीं, मतलब उसका व्यू इतना अच्छा नहीं था जितना ये 36 floor का। मैं 36 floor पर रहती हूँ एंड वो बहुत नीचे था, लाइक 2nd or 3rd floor पर था, मुझे याद नहीं अच्छे से, तो वहाँ से व्यू नहीं दिखता था, वो बिल्डिंग्स दिखती थी। तो उसके बाद भी 2-3 महीने बाद ढूंढने के बाद 10 कॉल लगाओ कि अवेलेबल है क्या कोई फ्लैट वगैरह, और मेरे डैड ने और मॉम ने बहुत ज़्यादा ढूंढ ढूंढ के ये घर फाइनली मिल गया। खुश हूँ। एंड ऑल्सो एक बहुत अच्छी बात है कि मेरे फ्लैट का नंबर है 3602। सो अगर आप उसको ऐड करोगे तो मेरा बर्थडे आता है विच इज़ 11। सो ये भी बहुत अच्छी बात है कि लाइक पूरा 11 आता है। एंड देन क्या ही बोलो, इतना अच्छा घर है मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको भी अच्छा लगा होगा घर तो सपने देखो और मेरे जैसा घर खरीदो जल्दी जल्दी। एंड क्या ही बोलूँ, ये घर मिल गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लाइक द हैप्पीएस्ट वन। एंड ये घर मिल गया, उसके बाद एक और एक मेरा सपना है जो कि इतने जल्दी पूरा तो नहीं होगा, मुझे पता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए भी। सो मैं मेहनत करती रहूँगी। सो मैं सपना भी बता देती हूँ कि मुझे लाइक बांद्रा में घर चाहिए, मुझे शाहरुख खान के बाजू में मिला तो भी चलेगा बट वो नहीं मिलने वाला, नहीं नहीं मिल सकता है बट बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा। सो आप मुझे गुड विशेस दो कमेंट्स में कि मैं बांद्रा में घर लूँ एक दिन। एंड दिस वॉज माई स्मॉल हाउस टूर एंड मेरे थोड़े से सपने एंड थोड़ी सी मस्ती। सो गाइज
आई एंड द वीडियो हियर. एक बार व्यू दिखा देती हूँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल है. सो गाइस, मैं दिन भर अपने रूम में भी नहीं रहती, सोफे में भी नहीं बैठती, मैं इधर ही आके खड़ी रहती हूँ. ऐसा मस्त हवा हवा आता है, बाहर उड़ते हैं एंड कभी कभी फ्लाइट जाती है, कभी कभी ऐसे नीचे दिखते तारे दिखते हैं एंड देन कभी कभी ऐसा लगता है कि क्लाउड्स पूरे नीचे आ गए. तो मैं अपने भगवान जी को बोल देती हूँ, भगवान जी मुझे जल्दी से जल्दी बैंड्रा में घर दिला दो और मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनूँ और मैं बहुत पैसे वाली बन जाऊँ. सो यस गाइज, दिस वॉज माई स्मॉल छोटा सा वीडियो एंड मैंने लास्ट का वीडियो बालकनी में शूट किया बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट इन माई हाउस. सो आई एंड द वीडियो हियर. So thank you so much for watching this video. I hope you like my house and the video. So मैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि डाइनिंग टेबल आने वाला है, माई स्पेशल पर्सन इज ऑल्सो कमिंग एंड बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो मैं वापस वीडियो बनाऊँगी. बट टिल देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.